1876 में आज ही के दिन अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का पेटेंट हासिल किया। 1906 में आज ही के दिन फिनलैंड में महिलाओं को वोट डालने का अधिकार मिला। 1911 में आज ही के दिन साहित्यकार हीरानंद सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञेय का जन्म हुआ। 1925 में आज ही के दिन मंगोलिया पर सोवियत रेड आर्मी ने बाहरी कब्जा किया। 1952 में आज ही के दिन वेस्ट इंडीज के धाकड़ बल्लेबाज विवियन रिचर्ड्स का एंटीगुआ में जन्म हुआ। 1961 में आज ही के दिन स्वतंत्रता सेनानी गोविंद वल्लभ पंत का निधन हुआ। भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिलाने और जमींदारी प्रथा को खत्म कराने में उनका महत्वपूर्ण योगदान था। सन 1957 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 1969 में आज ही के दिन इजराइल ने गोल्डा मीर को देश की पहली महिला प्रधानमंत्री चुना। लेवी एशकोल के निधन के बाद उन्हें प्रधानमंत्री बनाया गया। 1971 में आज ही के दिन शेख मुजीबुर रहमान ने बांग्लादेश की स्वतंत्रता का आह्वान किया। 1977 में आज ही के दिन पाकिस्तान में 1970 के बाद पहला आम चुनाव और 47 में पाकिस्तान के अस्तित्व में आने के बाद पहली बार सैन्य शासन के तहत चुनाव कराए गए। 1985 में आज ही के दिन एड्स का पहला एंटीबॉडी परीक्षण एलिसा टाइप टेस्ट शुरू किया गया। 1987 में आज ही के दिन टीम इंडिया के पूर्व सलामी बल्लेबाज सुनील गावस्कर ने टेस्ट क्रिकेट में 10,000 रन पूरे किए और यह उपलब्धि हासिल करने वाले वह पहले बल्लेबाज बने। 2008 में आज ही के दिन अंतरिक्ष यात्रियों ने मंगल ग्रह पर झील की खोज की। 2009 में आज ही के दिन नासा ने केपलर दूरबीन लॉन्च की, जो सूरज की परिक्रमा करता है और पृथ्वी जैसे करीब 1,00,000 सितारों की टोह लेता रहता है। केपलर दूरबीन मानव जाति के इतिहास की सबसे ताकतवर दूरबीन मानी गई।